देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पहले तो पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम तर लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि कल पूरी कौम इस हिजानी कैफियत में मुब्तला रही कि सात बच्चे, वो सात बच्चे जो पाकिस्तानी हैं और जिस कैफियत में वो थे, जिन मुश्किलात में वो थे, उन मुश्किलात के बाइस वो सात आठ घंटे का जो वक्त था वो पूरी कौम ने एक बड़े कर्ब में गुजारा और इस परेशानी में गुजारा कि खुदा ना खास्ता कि वो जो आखिरी रस्सा जिसके ऊपर वो पूरी की पूरी चेन लिफ्ट टिकी हुई थी कहीं वो डैमेज ना हो जाए। लेकिन बिल आखिर पाक फौज की कार्रवाइयों के नतीजे में, मुकामी लोगों की कार्रवाइयों के नतीजे में और एक मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में वो तमाम तर बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुँचा लिया गया और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में होने वाले तमाम तर वाकयात में एक अनोखा एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जहां पे एक बहुत हाइट के ऊपर, बहुत तेज हवाओं के दरमियान और ऐसे सख्त मौसम के अंदर जहां पे वसाइल भी ना हो, इस ऑपरेशन को सर अंजाम दिया गया और फिर उसमें जो रेस्क्यू हुआ वो उसका रेट 100% रहा। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। साथ में इस खुशखबरी में एक इजाफा हुआ कि कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का पहला मैच था और वो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान आज ना जीत सके और शायद पाकिस्तान के लिए मामला मुश्किल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने पूरी कौम के लिए खुशखबरियां बिखेरी। तो प्रोग्राम में जरा इन्हीं दो खुशखबरियों से पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तजियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, कल हम आप सब सारी कौम 8-10 घंटे तक परेशान थे, दुआगो थे, सरबे सजूद थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये महफूज रहें। और मीडिया पे जब 24/7 ये दिखाया जा रहा था, स्क्रीन पे लाइव दिखाया जा रहा था कि किस अंदाज से वो चेयर लिफ्ट अटकी हुई है, तो दिल सबके बस ऐसे थे कि कलेजों को आगे के अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा सीन ये कैमरे की आंख कैप्चर करे जो हम पूरी जिंदगी ताहयात कभी भुला ना सकें। जहांगीर साहब आपका क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे तो इस बात का अभी तो बहुत परेशान थे हम कल जब वो देख रहे थे, और 8 घंटे स्टक अप थी पूरी कौम, हंगअप थी। तो उस दौरान में अब जब वो सक्सेस हुआ, सक्सीड जो आई उसकी, तो उसमें ये बड़ी अहम बात जो निकल के आई है कि कौम को यकजा देखा, यक दर्द देखा, और लोग तो ऐसा लग रहा था कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक दुख को, अपने दुख को महसूस कर रही है। वो किसी भी इलाके का है वो स्क्रीन पर यही देख रहा था कि हमारे कौम के बच्चे, हमारे अपने बच्चे किस तरह लटके हुए हैं, इनके साथ क्या होगा। अब रात भी होने वाली है और रात के जाहिर है कि लाइट भी नहीं होगी और रेस्क्यू ऑपरेशन भी है, हुकूमत भी मदद कर रही है, आर्मी भी बहुत चाको चौपन तरीके से उसमें हिस्सा ले रही थी। और सबसे बड़ी बात ये सारी जो लोग इनकी जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन जो आवाम ने, जो वहां के मुकामी देहातियों ने जो किरदार अदा किया उसकी कोई मिसाल नहीं। जी बिल्कुल, उन्होंने मिलकर जो कलेक्टिव एफर्ट्स किए और हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने जज्बे से काम लिया। और जब बच्चे रिस्की हो गया और आखिरी बच्चा रिस्की हो गया और देखने का मंजर था कि बच्चे भी बहुत अजीब होश के आलम में नहीं थे, माँ बाप भी चिमट रहे थे, कौम भी देख रही थी, लोगों को रोते हुए भी देखा कि जिंदगी से जो है वो मौत का सफर और मौत से पलट कर जो है जिंदगी की तरफ आने का ये मंजर था। और ये बड़ा अहम था और इससे एक तकवियत मिलती है बिल्कुल कि जब हमारे गम एक हो, हमारा जो है दुख एक हो जाए हमारे, तो फिर हम यकजा होकर सोचते हैं और उसके लिए कोई हल निकालते हैं। और इसमें एक बरकत की बात ये नजर आई कि उसके नतीजे में सबके सब महफूज रहे, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। और पाकिस्तानियों की दुआ ही थी, मेरा तो ख्याल है कि इंसानियत का मसला ये था कि जहां भी दुनिया में देखा जा रहा था, बिल्कुल ये जान नजर होकर देखा जा रहा था कि ये बच्चे अब देखे क्या होता है, क्या गम होगा, कल हम क्या कर रहे होंगे, कि कैसी गुजर रही होगी आज। जहांगीर साहब एक चीज ऐड यहाँ पे जरूर करना चाहेंगे कि कल जब ये खबर ब्रेक हुई, क्योंकि वो एरिया ऐसा था वहां पे रसाई आसान नहीं थी, इंफॉर्मेशन आने में ताखीर हो रही थी, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी वहां पे आई, लेकिन उसको बाद में सबको बहुत अच्छे से टैकल किया गया। और मैं जब वो मंजर देख रहा था कि जब पहली दफा वो चॉपर उड़ के गया
और वहां से स्लिंग ऑपरेशन के थ्रू वो एक हमारा एसएसजी कमांडो जब वो नीचे उतर रहा था और उन बच्चों के पास सबसे पहले अद्वियात पहुंचाई गई, कुछ खाने पीने का सामान पहुंचाया गया और उनको काम डाउन किया गया, क्योंकि आम तौर पे ऐसी सूरत हाल में बच्चे फेंट हो जाते हैं, कोई भी फेंट हो सकता है, अपने होश खो सकता है, लेकिन वहां पे उनको ये दिलासा दिया गया, इस बात का आसरा दिया गया कि आप परेशान ना हो, पूरी कौम और पाक अफवाज और तमाम तर इदारे आपके साथ खड़े हैं और हम आपके लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक तरतीब कर देंगे। और वो तरतीब हुई, नजर आई, पहले हेलीकॉप्टर से एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया और एक नामुमकिन सा वो काम था जिस अंदाज से उसको सरंजाम दिया गया। और मैं कहता हूं कि शायद वो पहले बच्चे के रेस्क्यू ने वो तमाम बच्चों में ये उम्मीद डाल दी कि अब हमें बचाया जा सकता है। तो वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल से वो मोड़ था, अटेम्प्ट था, जिसने उन तमाम तर लोगों में और पूरी कौम में ये उम्मीद जगाई कि हाँ अब ये बच्चे रेस्क्यू हो सकते हैं। ये भी अहम बात यह है कि जहां हमने ये देखा कि लोगों ने क्या किया और मंदिर था, उसमें जो फौज का किरदार था, एसएसजी का जो किरदार था, और इनका काम ये है कमांडोज का, जो कंप्यूटर ने बढ़ के जो काम किया, इसे एक मैसेज और ड्रा हुआ है, डिलीवर हुआ है हम सब के लिए, अगर अफवाज पाकिस्तान और अवाम में इत्तेहाद हो, यकजहती हो, जज्बा एक हो, मकसद एक हो, और हमारे अपने कौम की जो है फिक्र हो, और तो अगर ये यकजाई नज़र आती है तो फिर नतज भी ऐसे होते हैं, 100% सक्सेस स्टोरी रही आखिर में। हमें कोई जो है जितना भी दुख था कल नज़र आ रहा था, हम लोग परेशान थे, आज जो है वो हम जो है इस बात पर दुआ हुए हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें इसी तरह यकजा रखे और ऐसी जो चैलेंजेस आती है उसका सामना। और जाहिर साहब एक चीज कहते हैं ना कि अगर मुसलमान यकजा हो जाएं और मुसलमान साबित कदम हो जाएं तो फिर मौजज़े होते हैं, ये तारीख हमें बताया जाता है। और कल ये मौजज़े से कम नहीं था कि जिस अंदाज से वो तमाम बच्चों को रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे जब बच्चों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा था किनारे तक, तो नारे तकबीर के नारे बुलंद किए जा रहे थे और फिर वहाँ पे जो मनाजिर थे, जो 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 कैफियत थी, वो लोग जो वहाँ के बता रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं, वो यकीन तौर पे वो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये बात सोचते भी हैं। लेकिन ये इस तरफ इशारा भी करती है कि अगर हम कौम के तौर पे बतौर एक कौम मुत्तहिद हो जाएं, हमारे इदारों के साथ खड़े हो जाएं, हमारे इदारे हमारे लोगों के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर मौजज़ात होंगे और मौजज़ात में कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तमाम सूरत हाल, एक हारी हुई बाजी, बज़ाहिर एक हारी हुई बाजी थी, उसको आपने एक बड़ी फतह में तब्दील कर दिया, तो ये एक बड़ा सबक है हमारी कौम के लिए। देखिए आप ये देखें कि इसमें एक बड़ी अनोखी बात और भी थी, आपने कहा कि मुसलमान अगर यकजा हो जाएं तो करिश्मे हो सकते हैं, मुजजात हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुजजा ये था कि पूरी पाकिस्तानी कौम जिसमें अकलियतें भी हमारी शामिल थी और जज्बात से भरपूर थी, वो कोई भी तमीज़ नहीं कर रहा था कि क्या है, किस जबान के, किसल के हैं, कहाँ रहते हैं, ना इलाकाई कुछ थी, बस एक फिक्र थी कि हमारे मुमलिकत के बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क और हमारी रियासत के हमारे बच्चे हैं और इसकी फिक्र की जाए। ये एक बड़ा मोमेंट था और ऐसे जो एक जो ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट होता है ना, जिसमें कौम का किरदार जो है डिफाइन होता है कि कौम बहसियत है। कहीं ऐसी बातें भी होती है कि हम इंतशार देखते हैं और प्रोपेगंडा हमारे दुश्मन कर रहे होते हैं कि हम बिखरे हुए लोग हैं, हम यकजाई नहीं है, हम एक सोच नहीं रख सकते हैं, हमारे जज्बात भी, हमें कोई चीज़ ठीक नहीं है। एक चैलेंज बताता है जब इंसान पे बुहरान आता है, फिर उसका किरदार निकल के सामने आता है और इस बुहरान के नतीजे में ये साफ नजर आया कि वहाँ भी एक नारा सा है कि हम एक हैं और हम एक हैं। यहाँ बिल्कुल हम एक हैं और चाहे कोई कितनी ही लाख कोशिशें कर ले हमें तकसीम करने की, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि हमारा जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है और कौन हमारे दिल के करीब है, और हमारे तमाम तर पाकिस्तानी चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो किसी भी मज़हब के से के मानने वाले हों, लेकिन जब कोई एक दर्द महसूस करता है तो उसका दर्द हर कोई महसूस करता है। और यही कल देखने में आया, और जो कि प्रोग्राम में यकीन तौर पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कल जिस अंदाज से जिन जिन लोगों ने उस ऑपरेशन में हिस्सा डाला, चाहे वो जिस भी कैपेसिटी में था, हम सब
इस प्लेटफॉर्म से उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। मैं उस हेलीकॉप्टर के पायलट की बात करूं जो उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था, उसमें मौजूद जो अमला था वो तमाम तर लोग, उन्होंने अपनी जानों का अल्टीमेट रिस्क लिया और उन्होंने इस रेस्क्यू को यकीनी बनाया। वो एसएसजी कमांडोज जो उन रस्सियों से लटकते हुए इतने सख्त मौसम में नीचे की तरफ स्लिंक करते हुए आए, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने जिस अंदाज से वहाँ पे काम किया, बच्चों को हौसला दिया, बच्चों को रेस्क्यू किया, और वहाँ की जो तमाम तर लोकल इंतज़ामिया थी, जो लोग थे वहाँ के, और बिल्कुल वो शख्स जो वो डोली के ऊपर जाके एक एक करके बच्चों को गोद में उठा के बड़ी बाहिफाजत तरीके से ऐसे तरीके से किनारे तक लाता था, फिर वापस जाता था, तो तमाम तर लोगों का को सलाम पेश करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं। और यही हमारे लोग हैं, इन्हीं के लिए हमें जीना है, इन्हीं के साथ हमें जीना है। तो फिर अगर कोई डिवाइड करना भी चाहे तो कोई कैसे कर सकता है? जहांगीर साहब फाइनल कमेंट। जी फाइनल कमेंट यही है कि इस तरह के जो लोग आके आते हैं, जो हमें डिलीवर हुआ है, हमें सबक मिला है, हमें सोच मिले, एक बात बड़ी महसूस है, जज्बात की बात है, इमोशन की बात है, एहसास की बात है, तो ये कि हम लोग हमारे जो हमारे एहसास थे, जो हमारे आंखों में आंसू थे, एक तरफ था ऐसा लग रहा था कि हम वही खड़े हुए हैं, वही मंजर देख रहे हैं, वही बच्चे को तकलीफ में देख रहे हैं, इसी तरह हम तड़प रहे हैं, जैसे जो हमारे सामने सब कुछ सुंदर होगा। इसकी जब चाहिए एहसास को आप महसूस करेंगे, तब आपको अजमत मालूम होगी कौन की है, कौन क्या है, और किस तरह सोचती है, और इसका बुनियादी दिल और जो इसका जमीर किस तरह देखता है चीजों को, और क्या मुहब्बत करता है इंसान। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपकी आपका पॉकअप आ गया, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें उनके ऊपर नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विथ मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विथ मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं मुल्क में जारी महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान की। नई हुकूमत आई, नई हुकूमत के साथ नए चैलेंजेस शुरू हुए, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इस हुकूमत का बाकायदा तौर पे आईएमएफ के साथ कुछ रابطہ हुआ है, लेकिन इस रابطے के बाद क्या होगा? जो गर्दशी कर्जे हैं उनका बोझ देखते हुए शायद ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक और बार एक बड़ा इजाफा किया जा सकता है। अगर इजाफा होता है तो मुल्क में मौजूदा महंगाई की ये जो लहर है ये किस तूफान में तब्दील हो जाएगी, इसके बारे में शायद कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त तमाम तर अशिया खुर्दनोश की बात करें, जो एक आम इस्तेमाल की चीज़ों की बात करें, बेसिक एसेंशियल आइटम्स की बात करें, उन तमाम तर की कीमतों में एक बड़ा इजाफा हो चुका। और आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि अगर इनकी कीमतों में एक बार इतना बड़ा इजाफा हो जाए तो फिर इनको उस पिछली प्राइसेस पे लाना तकरीबन फिर एक ख्वाब ही रह जाता है। और फिर आने वाली नस्लें ये बात सुन के हैरान होती हैं कि माजी में इनकी कीमतें इतनी सस्ती हुआ करती थी जो आज हमें इतनी महंगी नजर आ रही हैं। तो जहांगीर साहब अब जरा आप बताइए कि ये नई हुकूमत आ गई, इसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले तो एक केयर टेकर हुकूमत का काम होता है कि इलेक्शंस कराएं, इलेक्शंस की तरफ हम आएंगे, लेकिन ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिसका बाकायदा तौर पे इस हुकूमत ने आगाज भी कर दिया है इसको रेक्टिफाई करने के लिए, आप क्या कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इस गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना मसल है कि वो इतने सारे मसाइल जिनका एक अंबार नजर आता है उसको रेक्टिफाई कर सके? जो जो पहले 16 माह की हुकूमत महंगाई कर गई है और जो है $2.5 अरब का मजीद इजाफा कर गई है हमारी खर्चों की, एक बात। दूसरी बात ये है कि आईएमएफ ने से जो मुआहदा किया है, ऐसा लगा, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये डिफॉल्ट
हम भूल जाते तो इससे बुरी हालत नहीं हो सकती। इंतशार जरूर जो है वो नहीं फैल सका, लेकिन मुनज्जम तौर पर बर्बाद किए जा रहे हैं कौम। अब इनसे जो है अगर हम इनको कहें, अगर ये निगरा हुकूमत है तो ये जो है सियासत की भी निगरानी नहीं कर सकते। अब ये इलेक्शन की निगरानी करने आए हैं, इक्तसादियात के माहरीन को ये हवाला दे रहे हैं कि हमारी टीम में बहुत सारे इक्तसादी माहरीन, इनको तो ये मैंडेट ही हासिल नहीं है कि बुनियादी पॉलिसी पर कोई तब्दीली कर सके, कोई इनकलाबी कदम उठा सके, कोई फैसला खुद कर सके। उन्होंने भी होमवर्क छोड़ के नहीं दिया कि वो इसको टो कर सकें, आगे बढ़ा सकें। और अभी इनके पास है क्या? तो अभी देखें डॉलर को, डॉलर 103 हुआ और ओपन मार्केट में 315 रुपये हो गया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इंटर बैंक में अगर एक 300 से बढ़ गया तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो कहाँ ले जा रहे हो आप, कहाँ ले जा? पहले की खबर ये थी कि 300 पर जाके रुक जाएगा और ये हो जाएगा और फिर रिवर्स होगा, और रिवर्सल के नतीजे में वो 200 पे भी आ सकता है। कहानियां ही कहानियां हमारे लिए। अब ये इक्तसादी जो माहरीन आप बुला के रखते हैं कि ये भी कंट्रोल्ड होते हैं, कौन ये शक्ल बताएगा और ये क्यों क्या और हो रहा है? और ये आपकी स्टेट बैंक है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो IMF के कंट्रोल में है। आप कौन सा इदारा है जो जिसको जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं हमारी तकालीफ बता सकते हैं? हमारे पास तो पार्लियामेंट नहीं है, हमारे पास दोनों ऐवान नहीं है, हमारे पास हम आवाज नहीं उठा सकते हमारे। और दूसरी बात ये है कि जो फोरम है बाहर के, उसको भी ब्रीच हो रहा है, उनके साथ है मुआहदे ब्रीच हो रहे हैं। IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदा किया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। खुदा खैर करें कि नई सूरत हाल है, अभी तो हमें नए उसकी तरफ जाना है, नए मुआहदे की तरफ जाना है, उसके लिए तैयारी करना है। अभी इलेक्शन हमारे, ये जो बजट आएगा हमारा, उसके अंदर जो चीजें आई है हमारी और आगे उस पर अमल दरामद कितना मुश्किल है। और इन लोगों ने ये सब्सिडी बंद कर दी है। सब्सिडी बंद करने का मतलब है कि आपको ब्रीदिंग स्पेस छीन लिए आपसे। भाई सब्सिडी क्या का मतलब है? गरीबों को कोई ना कोई तो आप मदद देंगे, लेकिन आप नहीं दे सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए हैं और 300-400 स्टोर बंद हो गए हैं, वो अलग नुकसान उनका। और जो है वहाँ जो है जखीरा अंदोजी होगी, वो ओपन मार्केट में बिक रहे होंगी, हर तरफ से इधर मायूसी होगी। तो ये कौम कैसे जो है कोई नबर्द आजमा हो सके, कि उसके लिए भी हौसला चाहिए। तो हौसला भी नहीं छोड़ रहा है हमारे लिए। लेकिन जहांगीर साहब, ऑप्शंस क्या है मुझे ये बताया ना। इस वक्त तो ऑन द फ्रंट ऑफ इट, जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखें, एक चीज नजर आ रही जो कि बड़ी वाजे है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, जो कि शायद एक वाहिद ऑप्शन नजर आता है इस गवर्नमेंट के पास। टैक्स नेट ब्रॉडन करने के हवाले से कोई काम या कोई पॉलिसी या कोई ऐसा बयान नजर नहीं आया। एवेन्यूज क्रिएट करने के हवाले से ऐसा कोई बयान क्रिएट नजर नहीं आया। महज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा लेना, बिजली की कीमतों को बढ़ा लेना, गैस प्राइसेस के टैरिफ में तब्दीली कर देना, यही एवेन्यूज रह गए हैं हमारी गवर्नमेंट के पास। देखें आप कंट्रडिक्शन देखें, आप कहते हैं कि टैक्स रेट बढ़ाएंगे, ब्रॉडन करेंगे उसको, वसी वसत वसत देंगे। वो क्या 70% से वो टैक्स लेते हैं और 80% तो वो हैं, टैक्स तो सब दें, अपने अपने बना रखे हैं, माफिया बना रखे हैं, टैक्स से आजाद हैं, पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात ये जो कंट्रडिक्शन है वो ये है कि भाई जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, तो जो आमदनी कहाँ पे ऊपर जाएगी, वो सुकड़ेगी ना, वो नैरो होगी। और नैरो होने के नतीजे में ये टैक्स ब्रॉडन कर सकते हैं आप, टैक्स नेट ब्रॉडन कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते आप जो है बेवकूफ बना रहे हैं। बल्कि अपने हमें क्या बेवकूफ बना रहे हैं, आप खुद भी बेवकूफी की जो बातें कर रहे हैं, कल आपके सामने खड़े होंगी, खुदा ना करे, खुदा ना करे हमारे मुंह में खाक, ये कोई लोगों के अंदर एक ऐसी बेचैनी की लहर ना पैदा कर दे कि वो जो होता है जो डिफॉल्ट होता है मुल्क को, उससे ज्यादा बदतर हालत हो। सोचने कहाँ गए ये? लेकिन जहांगीर साहब, मुझे एक बात जरा प्लीज, जहांगीर साहब एक बात जरा समझा दें। एक एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, देखिए उसका दायरे का दायरे क्या है ना, जरा महदूद सा होता है। वो आमतौर पे किसी भी चीज के रिवाइवल की जिम्मेदार नहीं होती। करंट अफेयर्स या मतलब डे टू डे अफेयर्स के जो मामला होते हैं, उससे ज्यादा केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं करती, उससे ज्यादा कोई जिम्मेदार भी नहीं होती। और उनकी जो अव्वलिन जिम्मेदारी होती है कि साफ शफाफ इंतखाबात कराना।
आपको इस वक्त इस केयर टेकर गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट की कोशिश या एक विजन में पहले अल्टीमेट गोल यही है कि इलेक्शंस कराए जाएं, या गवर्नमेंट कुछ और करने के इरादे से आई है? ये केयर टेकर से ज्यादा तो टेकर लग रही है कि ये आगे जाके जो है इनको बड़ा की मुद्दत मिल जाए। अब वजीर आजम ने कराची के बात की है ताजिर बिरादरी से, वो ये कहते हैं कि कराची कराची की बहुत हालत बिगड़ गई है और समर गई है और हमारे पास प्लानिंग है और हम ये ऐसे इनकलाब कर देंगे। भाई आपका तो मैंडेट ही नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं जब मैंडेट नहीं है तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे ख्वाब दिखा के क्यों अपना टाइम पास कर रहे हैं? आप अपने काम से काम रखें। और ये सबसे बड़ी बात यह कि आप इलेक्शन करवाएं, जो आपका मैंडेट है तो वो तो करा दें आप। उसके अलावा ऐसे लगता है कि हर एक कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि 10 महीने में होंगे, वो क्या कह रहे हैं 2 साल में भी नहीं होंगे, कोई कह रहा कि 90 दिन में हो जाएंगे। ये क्योस पैदा करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऐसे बातें की जाती है मुख्तलिफ तरीके से कि जहन उलझ जाए और सोच समझ नहीं अच्छा जहांगीर साहब, एक चीज और ऐड कर दें, माजद आपकी आपकी कथा कलामी कर रहा हूं, मुझे एक चीज और ऐड ये कर दें कि अभी तक जो अनवारुल काकर साहब के स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, और मेरे ख्याल से किसी प्राइम मिनिस्टर से इसी तर्ज के कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट ही आने चाहिए। लेकिन एक टेक्निकल मसला यह है कि इन तमाम तर स्टेटमेंट्स में आपको इलेक्शंस के अल्फाज नहीं मिलते, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से अच्छे लगते हैं। ये आज भी कराची का जो दौरा हुआ, गालिबन कराची की मर्दमशुमारी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं बातें हुई, जबानी जमा खर्च हुआ, कोई कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको किसी भी सतह पे नजर आई? ये मेरे भाई जो आपने सवाल उठाया है इसका आधा जवाब तो मैं इससे ज्यादा दे चुका हूँ मैं, कि यही तो कर रहे हैं कि ख्वाब दिखा रहे हैं, जो काम है अपना उसके ऊपर आए, इलेक्शन करवाएं। और दूसरी बात ये, इलेक्शन का आप नाम नहीं ले रहे हैं, दूसरे कामों का नाम ले रहे हैं, तो इससे इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है कि आपका जो मैंडेट इससे ज्यादा है या इससे ज्यादा इसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया जा सकता। आप माहिर इक्तसादियात भी बताते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा है, माहिर इक्तसादियात भी कि ये 3 महीने में क्या कर लेंगे जो ये 30 साल से नहीं कर सके, 10 साल से नहीं कर सके, ये जो 16 महीने में नहीं कर सके, ये 4.5 साल में पीटीआई के नहीं कर सके। तो इस तरह की बातों से जरूरी है, एक अच्छा काम आपको दिया गया है आप वो कर दें और बहुत खुशखुशी से करें और जो उसकी जरूरत है उसके मुताबिक करें। अभी की सारी अदालतें फैसले देने से तंग आ चुकी हैं, इतना उस पर बर्डन है। आप तो कहते हैं कि ऐसा क्या पैदा कर देते हैं, ऐसे इंतजार की सूरत हाल पैदा कर देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं कि अदालत में चले जाओ और अदालत में एक हंगामा हो जाता है, केस लटक जाता है, टाइम पास हो जाता है, लोग जो है वहीं खड़े होते हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन लेकिन जागीर साहब, आप मुझे जरा एक और चीज जरा समझा दें। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, असद उमर साहब को काफी वक्त लगा, हालांकि वो एक सीनियर अगर आप कह दें इकोनॉमिस्ट हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से काफी महारत रखते हैं, उनको वक्त लगा और उन्होंने भी एक फैसला लेने में काफी वक्त लगाया, इसके बाद जिसकी वजह से शायद तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कुछ आवाजें उठी और उनको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। नून लीग की जब गवर्नमेंट आई या पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई, मिफ्ता इस्माइल साहब आए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो जिस अंदाज से आईएमएफ के साथ मुआयदा किया, जो गुफ्तगू रही, वहां भी एक वक्त लगा। और जब इसहाक डार साहब आए, जब ये दावा किया जा रहा था कि रातों रात चीजें तब्दील हो जाएंगी, इसहाक डार साहब को भी एक बहुत बड़ा वक्त दरकार था कि इस सबको किसी तौर पर फिगर आउट कर सकते एट एनी स्टेज। लेकिन इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास कुल जो वक्त है, या तो 90 दिन है जो कि आईनी मुद्दत है, या फिर अगर आप इसको ले जाएं एक्सटेंड कर लें मिड ऑफ फेब तक, तो भी 6-8 महीने के अंदर ये टर्न अराउंड करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। और अगर ये टर्न अराउंड हो भी जाता है तो फिर जब इलेक्शन का साइकिल आएगा तो फिर एक बार आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये तो खुद एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। देखिए इस दफा भी जो है वो मैं काफी जवाब उसका दे चुका हूँ, ये सारी चीजें उस तरफ की जा रही है जो इनके हिसाब पे है नहीं। इनका जो जो दिया गया है, इनका जो सिलेबस दिया गया ना, जैसे दिया जाता है भाई इसी तक इसी हद तक पढ़ करना है, इसी से इम्तिहान होंगे, इसी से आपकी आजमाइश होगी, उसके ऊपर तो ये आ नहीं रहे। अब ये कि आप ये माहरीन के नाम ले रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल आ गए, असद उमर साहब आ गए और इसहाक डार साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आ रहे हैं, बहुत बड़े हीरो होंगे। असल बात ये कि मुर्गी अंडा देती है नहीं देती है, और देती है तो क्या देती है भाई, इसकी प्रोडक्शन देखी जाती है, प्रोडक्शन इनकी कहाँ है, नतायज देखे ना कितनी बुरी हालत है। आप ये
पता नहीं किस तरह कैसे दिलासा दे सकेंगे, असल में इतनी कमजोर हो गई अंदर से कौम, क्या एहतजाज के काबिल भी नहीं रही है, आवाज नहीं उसकी निकल रही है। लेकिन लेकिन जहांगीर साहब, अभी जो सूरत हाल है, आपको पता है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे ऐलानात कराए जा रहे हैं, लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे, जो कि एक अच्छी रविश नहीं है, बिजली के बिल ना देना। लेकिन शायद अब ऑप्शंस नहीं रह गए, और अगर आप लोगों से बात करें तो आपको आपको सब आप फिगर आउट नहीं कर पाते कि कौन सही है या कौन कम गलत है। आप यकीन तौर पर इसको गेज करना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो आ रही है। पीटीआई के जमाने में ये दिखा दिखा के बिल जो है वो फायर से जलाए गए कि भाई ये देखें आप ना भरे, नहीं वो वाली बगावत ही, अगर कोई अंदर से कोई चीज उठती है तो इसको तो इसी के तो हम कह रहे हैं कि चश्म पोशा होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, ओपन माइंडेड ओपन आइड होती आपको चीजें सही देखनी चाहिए कि अगर ये जलगार बढ़ गई तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। आप तो अपने पता नहीं कहाँ रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, कैसे कैमोफ्लाज्ड हैं आप, आपको मालूम ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है और क्या खतरात मंडरा रहे हैं, रवान की तरफ से क्या खतरात हैं, इसका सामना करने के लिए आपको एक ही चीज है कि आप रिलीफ दें, आप मदद करें, जीने में मदद करें। सर, अभी 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 कुछ इत्तला दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। आपको लगता है कि अगर एक और इजाफा हो गया 5, 10, 15, 20 रुपए, तो पब्लिक रिएक्ट कर सकती है? गुलाम होता है ना उसकी, किसी अगर वो किसी भी बात पर हंस भी दे तो जो है आका को बुरा लगती है, वो पे स्लैश आउट करता है उसको, उसको जो है कोड़े मारता है। तो ये लोग जो है हम गुलाम कौम है, और ये IMF वाले और जिनके ये जो साथ मिलके हमारे आका बने हुए हैं, ये मिलके हम पे कोड़े जनी करते हैं, कोड़े मार रहे हैं, हमें बिल्कुल ही पता नहीं है भाई हमारी कमर टूट चुकी है, हम मजरूब हैं, जर लग चुकी है हमें, लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम उम्मीद की बात करें। अरे उम्मीद की बात करें तो आप किरण ही किरण दिखाते हैं, आप जो है रोशनी तो हमारी जिंदगी को रोशन तो करें, ये असल बात है। ये लोग कहते हुए ये डरते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से तो बोले, हम तो समझाने के लिए कहते हैं, वेंटिलेट करना चाहते हैं, लोग बोले चीखें धाड़े ताकि उनका गुस्सा उतरे और जो है इस काबिल हो कि वो हालात का मुकाबला कर सकें। ये मुंह बंद करके, जहन बंद करके, कलम बंद करके, सारी जितने भी जो है वो निकासी और जो है जहन के दबाव की, तो सारे रास्ते बंद करके ये चाहते हैं कि अमन अमान तो की बात सफोकेशन हो करें। जाएगी। लेकिन लेकिन जहांगीर साहब, अभी आपको एक पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया, आज गालिबन निसार खोड़ो साहब सईद गनी साहब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और निसार खोड़ो साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। अब उन्होंने कहा कि मेरा मौकफ उसूली है, इंतखाबात 90 दिन में होने की बात करूंगा। ये बात और कोई नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी के बड़े ही सीनियर लीडर निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कोई ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात 3 माह से आगे नहीं जाने चाहिए। अब क्या पीपल्स पार्टी अगर ये बात जानती थी कि इंतखाबात 3 माह से नहीं आगे जाने चाहिए, तो फिर जहांगीर साहब पीपल्स पार्टी पे सवाल नहीं उठेगा कि जब ये सारा कुछ सेटअप हो रहा था तो पीपल्स पार्टी उस वक्त क्यों खामोश तमाशाई बनी रही, बल्कि एक तरीके से पार्ट एंड पार्सल बनी रही सबका? भाई देखें ये बहस जो है भी पूरे हफ्ते से हो रही है, और इसमें इससे बड़े बड़े लीडर, उसकी जो मेन क्यादत है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो भी यही बातें कर रही है। मसले की बात ये है कि जो काउंसिल थी इनके, उसके अंदर इन्होंने हामी भरी थी, उसके दलायल दे रहे थे कि हाँ ये जरूरी है कि ये वक्त से पहले कुछ हो सकते हैं, उसके मार्जिनल टाइम दे रहे थे वो, जरूरत है वक्त की, जरूरत है ये, जरूरत है वो, उनकी उस वक्त की जरूरत थी और ये उनकी इस वक्त की जरूरत है। अब ये चाहते हैं कि ये नून लीग जो है इस वक्त तबाही का शिकार है, उसके दम पर ग्राफ गिर चुके हैं महंगाई की वजह से, ये जितनी हो इस वक्त जो है वो तो जख्मी है, वो पीछे हैं, और उसके उसका जो चीज उसके जो टाइमिंग है वो भी बिल्कुल गलत है, इस दौरान में वो फायदा उठा लें और जल्दी इलेक्शन करा लें और स्वीप आउट कर जाए और ये इकतदार में आ जाए, कौमी इकतदार में भी आ जाए, ये वक्त की जरूरत है। इस तरह तो सियासत तो होता है लेकिन इससे जो है कौम की सोच मजबूर होती है। जाके सर, मैं आपको यहां पे एक चीज के लिए रोकूंगा। ये जो मामलात हैं,
यकीन तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ सियासी तौर पे एक बड़ी जमात है, उसके ऊपर कोई ये नहीं कह सवाल उठा सकता कि उनकी सियासी तौर पे एग्जिस्टेंस क्या है। उनके वकला की जानिब से एक मौकफ आया तहरीके इंसाफ के सरबराह के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ के जो सरबराह हैं, जो चेयरमैन हैं, वो बहुत जल्द अब उनको रिलीफ मिलेगा और अदालतों से रिलीफ मिलेगा, और जो खान साहब के हवाले से जो केसेस बनाए गए हैं वो केसेस में उतनी कोई जान नहीं, और सिवाय उनको बाइज्जत तौर पर बरी करने के अदालतों के पास भी कुछ और ऑप्शंस नहीं रह जाएगा। मैं आप एक चीज सुनाना चाहूंगा, हमास अजहर सिद्दीक साहब का ये स्लॉट है, जरा इसको सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं और इसके बारे में। पूरी कौम को मुबारक हो, तोशाखाना का केस आज ख़त्म हो गया है और हमारे कई सहाफ़ी हज़रात और कई हमारे बाकी दोस्तों ने उस दिन बड़ा गिला किया जब मैंने कहा कि सस्पेंशन पहले दिन ही होनी बनती है, और मैं तो अब कहूँगा कि कल जब केस की समाप्त होनी है सिर्फ सस्पेंशन के अलावा मेन केस भी कल बहस कर दिया जाए तो 2 घंटे के अंदर ये केस ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब इसमें बाइज्जत बरी हो जाएंगे। 3 नुकात आपको पता है पहले दिन से, एक तो इलेक्शन कमीशन का मतलब है इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी नहीं होता है, इस्तगासा उसकी तरफ से आना था, फिर ये लाहौर के जुरिस्डिक्शन मियांवाली वाला मामला था, फिर मियाद का था 120 दिन के अंदर, और मैं लव्स चैलेंज का भी उस वक्त इस्तेमाल किया था, और मैं आज की हेयरिंग में 4 चीज़ें बड़ी वाजे हो गई हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया गया, आपको 3 दफ़ा दायरा इख्तियार का कहा गया, इवन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को भी कहना पड़ा इस बात के ऊपर, दायरा इख्तियार 3 दफ़ा, अगर हाईकोर्ट ने तय करना था 3 दफ़ा नीचे गया, और आपको पता है कि आखिरी दफ़ा जो दरख्वास्त गई थी वो 3 तारीख को सुनी गई थी और उसको ऑर्डर 4 तारीख को गालबन जारी किया गया था, और उससे पहले 2 तारीख को आपको बताया कि गवाहन जो हैं 342 के स्टेटमेंट में जा कहा तो कहा गया कि 12:30 तक पेश करे आना, कि बाहर से आना था, वो सारी कह दिया गया गैर मुतलका है। इस पर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुकी हुई है इस बुनियाद के ऊपर भी। तो आपने सुना अजहर सिद्दीक साहब को, वो फरमा रहे थे कि बहुत जल्द खान साहब की जो रिहाई है वो हो जाएगी, बाइज्जत तौर पे बरी हो जाएंगे, और ये जो मामलात हैं, अब सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह जेलों से बाहर आ जाते हैं और अगर कहीं ना कहीं जो सियासी केसेस का जो उनके ऊपर प्रेशर है अगर वो रिलीज हो जाता है तो फिर इस गवर्नमेंट के लिए जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके लिए एक और मुश्किल बढ़ जाएगी, उसमें एक इजाफा हो जाएगा। जहांगीर साहब आप ऐड करें कि आपको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह अगर जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर उसी अंदाज में वो अपने वीडियोस पे अपनी मीडिया प्रेजेंस को यकीनी बनाते हैं तो ये मुश्किलात खड़ी करेगा इस मौजूदा गवर्नमेंट के लिए? एक बात, 2 बातें होती है ना, हम तो तजिया कर रहे हैं ना जी। तजिया में ये एक तो बात ये है कि जब कॉन्फिडेंस कोई जमात यूज कर रही होती है, लीडर्स यूज कर रहे होते हैं तो उसको बूस्टअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि अब ये बाहर आ जाएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएंगे और आज़ादी मिल जाएगी, उन लोगों की उम्मीदें बन जाएंगी, उनके कारकुनान फिर जो है वो वार्म अप हो जाएंगे, इससे ये फ़ायदा हो सकता है, एक सियासी फ़ायदा ये भी हो सकता है, और दूसरी साइड ये है कि जिंदगनान जब अगर ऐसा होने का पाकिस्तान में इम्कान मौजूद है, यहाँ जो है नक्शे बनाए जाते हैं और बिगाड़े जाते हैं। अभी जो नक्शा बैठे और उसकी वजूहत तो हम नहीं बता सकते, हम तो तजिए की करने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारी अपनी सोच और राय होती है जो मुख्तलिफ हकायक की रोशनी में हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा वाकया होता है तो, और फिर इसका मतलब ये है कि जो प्लेइंग लेवल जो है बराबर दिया जा रहा है, मैम एक खेलने का मौका बराबर दिया जा रहा है कि अगर ये कमज़ोर है ये भी आए मैदान में और ये साबित करे कि अगर इसके पास मैंडेट है, इस मेजोरिटी है, तो ये इलेक्शन जीत के दिखाते हैं। अगर ये ऐसी बात है ये बड़ी अहम बात है, और अगर उसको मौका ना दिया जाएगा तो एक ऐसा कांटा बन जाता है जिसकी वजह से 30-30 साल तक ये हुकूमतें जो है इनकी कायम रहती है, जिनको आप जो है वो निकाल देते हैं, अपने सिस्टम से निकाल देते हैं। शायद सोचने वालों ने ये भी सोचा हो कि ऐसा मौका अब दिया जाए जैसे पीपल्स पार्टी को मिला,
पीपल्स पार्टी को जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के मौके पर जो है कैसा मौका मिला, उनको आउट कर दिया। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी दोबारा जिंदा हो गई और उसके बाद उसने इकतदार भी छू लिया। उसके बाद जो है जियाउल्लाह और बारशिल्ला को भी तो भी अब बाद में जो है जाना पड़ा। फिर परवेज मुशर्रफ के वक्त जो है वो हमारी बेनजीर साहिबा उनकी शहादत हुई, तो फिर उसके नतीजे में यही हुआ कि वो याद हो गए। इस तरह निकालना, जिस तरह निकाला जाता है तो रिवर्सल आता है, और रिवर्सल ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए सोचने वाले शायद ये भी सोच रहे हो कि भाई ऐसा तो नहीं हो कि ये कांटा बन जाए और ये नासूर बन जाए, इसको जो है साफ सुफ करके करके उसको एक लेकिन कांटा जहांगीर जैसा। साहब, ये मुझे आप जो बात कह रहे हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि ये वैसे तो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट है, लेकिन इस गवर्नमेंट के बाकी इंतजाम अपनी जगह पे, वो ठीक है गलत है वो उसके ऊपर वक्त के साथ बात भी की जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम मामला को रन करता है। इस क्रिकेट बोर्ड का आज आलम यह है कि इसका चेयरमैन कौन होगा ये नहीं पता, और आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के मामले हैं वो कहाँ से चलाए जाते हैं, वजीर आजम की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। नजम सेठी साहब जो कि पहले आए थे फिर चले गए, जका अशरफ साहब आए, अब बात आ रही है कि शायद फिर नजम सेठी साहब आ जाएंगे, उससे पहले रमीज राजा साहब थे। ये इतनी बड़े पैमाने पर जो तब्दीलियां हो रही सिर्फ एक इदारे में, ये तो खुद एक इस तरफ इशारा कर रही है कि बात उतनी सीधी नहीं है जितनी शायद हम तसव्वुर कर रहे थे। देखिए आज ही कई बयान है कि ये जो हुकूमत है ना, ये निगरा हुकूमत कह रही है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक पॉलिसी दे सकें। हम पुरानी हुकूमत की पॉलिसी की, जो मुतहला हुकूमत की, उसकी पॉलिसी को हम थ्रो करें और उसी के मुताबिक हम चलें। उसके मुताबिक तो ये है कि अब पहले वो गया, पहले ये गया, अब ये छोटे पैमाने पे ना, एक छोटे से दायरे में ये दिखा रहे हैं कि हम जो सियासी जो हमारी नामजदगियां कर दी गई हैं, तकर्रुरियां कर दी गई हैं, उस पर जो है हम बट ये इल्जाम इटसेल्फ लगा फेलियर रहे है ना हैं। सर, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है कि अगर इस तरह से मामला चलाए जाएंगे, आपकी पूरे पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है कि आपका एक पीसीबी जैसा इदारा अगर आपसे नहीं संभल पा रहा तो फिर आप बाकी मिनिस्ट्रीज कैसे संभालेंगे, बाकी इदारे कैसे संभालेंगे, तो ये तो खुद एक जगहसाई का बाइस बन रहा है। देखो जब कौम मजबूत होगी तो हमारे दुश्मनों तो हंसेंगे ना, जगहसाई तो हमारी होगी। तो ये तो है, ये तो सोचने वाले को सोचना पड़ेगा, तमाशे हैं क्या। आपने सवाल ठीक उठाया कि यही चलते रहेंगे, पहले वो आ गए जनाब सिटी साहब चले गए, सिटी साहब तो सबको मालूम था कि नवाज शरीफ के चहेते हैं वो, उनको लाके बैठाया गया, फिर उसके बाद जो इनको हटा दिया गया, फिर जरदारी साहब के चहेते आ गए अभी, अब उनसे कहा जा रहा है कि अब ये जो है ये न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल चहेता आ जाएगा। ये तो सबका तमाशा है ना, ये तो हमें देख रहे हैं ठीक हो गया जहांगीर साहब, मेरा हम। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा, आपके मौकफ का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पे ये बात तो कहनी होगी कि इस वक्त चाहे हम जो भी बात कह लें, जितने भी मिसालें दे लें, जितनी भी उम्मीदें दिला दें, लेकिन हकीकत बात यह है कि मुल्क में जो माशी मामलात हैं और जो आवाम के माशी मामलात हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं, और अगर इसको बहुत जल्द रेक्टिफाई ना किया गया, इसके ऊपर कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा निकरा हुकूमत अपने काम को ऐसे अंदाज में सर अंजाम देते हुए, जो बेहतर सोर्सेज हैं रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करते हुए, कुछ अच्छी खबरें आवाम के लिए पैदा करने में कामयाब हो जाए। अपने मेज़बान मुनीम को इजाज़त दीजिए। जहांगीर साहब आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।